गर्दने काट डाली गई है। कश्मीर फाइल में सिनेमा जो दिखाया वो 1% भी नहीं दिखाया गया है, सेंसॉर बोर्ड काट डालेगा करके। और ये यहाँ पे भी होने वाला है, सब जगह पे होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पाकिस्तान बन रहा है, बन चुका है, क्योंकि पटाखे चलते हैं, भारत क्रिकेट में हार जाता है। तो अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे, किसका साथ देंगे, ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100-100 लोग चढ़ेंगे तो तुमको कैसा लगेगा, चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ेंगे, तुमको काट डाला जाएगा, 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम, 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे। ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। ओवैसी ने धौस दे दी थी जो पुलिस को 15 मिनट हटाओ, पुलिस को 15 मिनट हटाओ सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसको कि वो कोई विक्षोभक भाषण नहीं था। और ये संत बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में रहो, तैयार रहो, कुछ कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दे दिए। ऐसा है अपना सर्वोच्च न्यायालय माननीय। आप समझ रहे हो क्या कंडीशन हो रही है आपके साथ में? अल्पसंख्यक आप हो, बेवकूफ हो हिंदुओं, अल्पसंख्यक आप हो, मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। इस्लाम की बात आ गई कि सारे मुसलमान एकीभूत हो जाते हैं, पर इतने सारे अत्याचार हो रहे थे, हो रहे हैं, गाय पर, जिंदे प्राणी पर, जिंदा गाय पर खौलता पानी डाला जाता है, जिंदेपने में चमड़ा उधेड़ा जाता है कतल खानों में, और ऐसा 1,00,000 गोवंश भारत में काटा जाता है। 2014 के पहले की सरकारों ने 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडियां दी हुई है कतल खानों को।